सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है अजय एस्ट्रोनॉमी गुरु पर। मैं अश्विन हूं और आज हम ताजा अपडेट्स और एग्रो कमोडिटीज पर उन्नत विश्लेषण के साथ वापस आ रहे हैं, मुख्य रूप से मिर्च की कीमतों की दुनिया पर ध्यान केंद्रित करते हुए। 22 अगस्त के रूप में मिर्ची की बाजार में असाधारण स्थिरता दिखाई दी है। हालांकि स्पॉट बाजार में आगमन में एक उत्तरोत्तर दिशा की बढ़ोतरी हुई है। दिलचस्प बात यह है कि इस वृद्धि के बावजूद प्रमुख बाजारों में कीमतें संतुलित रही हैं, प्रमुखतः मजबूत मांग के कारण। बाजार में संतुलन को और भी मजबूती मिली है क्योंकि प्रमुख मिर्ची उत्पन्न क्षेत्रों में न्यूनतम वर्षा की गतिविधि की रिपोर्टें आई हैं। ये जलवायु स्थितियां मूल्यों का समर्थन करने में मदद करती हैं। अब आइए वर्षा की बात करते हैं। वर्षा न्यूनतम दर से कम रही है जिससे देखते ही चिंता की आंखें खुल जाती हैं। हालांकि अच्छी खबर यह है कि फसल की स्थितियां अब तक संतोषजनक बताई गई हैं। हालांकि बारिशें न्यूनतम थीं, फसलों की वृद्धि में कोई कमी नहीं आई, लेकिन हमें आगामी खतरों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। आने वाले महीने में यदि बारिश न्यूनतम रहती है तो खड़ी मिर्च की फसलों पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। मौसम की पूरी नजर रखते हुए भारतीय मौसम विभाग IMD अपना सितंबर के महीने का पूर्वानुमान इस महीने के अंत में जारी करने की उम्मीद है। यह घोषणा मिर्ची बाजार के लिए आगे क्या है और मौसम कैसे मिर्ची की कीमतों पर प्रभाव डाल सकता है, इसके बारे में महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करेगी। अब आइए बाजार की विशेषताओं में दुखद सूचना दें। गुंटूर बाजार में तेजा वैरायटी की कीमत 19,000 से 24,200 रुपए प्रति क्विंटल के बीच में रही है। वहीं खम्मम बाजार में वही वैरायटी 20,000 से 21,000 रुपए प्रति क्विंटल के बीच में ट्रेड हो रही है। वारंगल बाजार में तेजा मिर्च के लिए कीमत रेंज 21,000 से 24,000 रुपए प्रति क्विंटल तक है। प्रीमियम वैरायटी 2043 की गुंटूर बाजार में कोटेशन 30,000 से 40,000 रुपए प्रति क्विंटल है। बाजार आगमन पर ध्यान केंद्रित करते हुए गुंटूर बाजार में प्रतिदिन आगमन की अनुमानित मात्रा 60,000 से 65,000 बैग के बीच में थी, पिछले सत्र से 5,000 से 10,000 बैग की वृद्धि के साथ। उल्टे खम्मम बाजार में 5,000 आगमन दर्ज किए गए थे, पिछले सत्र से 1,000 बैग की कमी के साथ। वारंगल बाजार में 7,000 बैग आगमन हुआ था। इस प्रकार जब हम ये प्रवृत्तियां विश्लेषण करते हैं तो स्पष्ट होता है कि मिर्ची बाजार एक दिलचस्प स्थिति में है। विभिन्न कारकों के बावजूद स्थिर मूल्य संतुलन बताते हैं। हालांकि आगामी मौसम पूर्वानुमान और फसलों पर उसके संभावित प्रभाव की नजर रखते हुए स्थिति बदल सकती है। हम देखेंगे कि ये कारक कैसे खेलते हैं और हम आपको नवीनतम जानकारी प्रदान करते रहेंगे। ऐसा ही है आज का अजय एस्ट्रोनॉमी गुरु पर मिर्ची की कीमतों पर आज की कड़ी। एग्रो कमोडिटीज और उन्नत बाजार विश्लेषण की और अधिक अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।